नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफ बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे गेहूँ ओपन मार्केट सेल स्कीम के चलते कैसा रहा गेहूँ मंडियों का रुझान और जानेंगे कीमतों में क्या हलचल बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली में सप्लाई की कमी के कारण गेहूँ के दाम 2450 से 2460 रुपये प्रति क्विंटल पर बने हुए हैं। FCI ने दूसरे ई ऑक्शन में लगभग 1.3 लाख टन गेहूँ की बिक्री की पुष्टि करी है, जो कुल सेकेंड ई ऑक्शन मात्रा का 32% है। ये पहले ई ऑक्शन में बेचे गए 21% से बढ़कर है। हालांकि दूसरे ऑक्शन में लगभग 4 लाख टन गेहूँ अलॉट हुआ था, जिससे अनुमान से कम भागीदारी का पता चलता है। औसत बिक्री मूल्य पिछले ई ऑक्शन के समान बने रहने और कम मांग के बावजूद प्रोसेसर्स और व्यापारियों को गेहूँ आपूर्ति के लिए फिजिकल मार्केट पर निर्भर होना पड़ रहा है। ये स्थिति आगे गेहूँ व्यापार को सपोर्ट करेगी, ऐसी उम्मीद है। ऑक्शन में विभिन्न राज्यों में विभिन्न मात्रा में गेहूँ बांटा गया। दिल्ली में 6,500 टन, आसाम में 8,300 टन, वेस्ट बंगाल में 11,500 टन, उत्तराखंड में 2400 टन, त्रिपुरा में 400 टन और पंजाब में 10,920 टन बेचा गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में गेहूँ के दामों में मामूली वृद्धि हुई है, 10 से 20 रुपये प्रति क्विंटल तक, और वहीं गेहूँ का व्यापार आसाम और वेस्ट बंगाल में भी बढ़ रहा है। राजस्थान और गुजरात में भी मिल क्वालिटी गेहूँ 10 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़े हैं। MP में गेहूँ के भाव स्थिर है। दक्षिणी भागों में गेहूँ के दामों में थोड़ी कमजोरी होने के बावजूद दाम नीचे नहीं गिरे हैं, जिससे वहाँ की रीजनल मांग मजबूत होने का पता चलता है। तो दोस्तों, स्थिति यह है कि अधिकांश मिलर्स सिर्फ ओपन मार्केट सेल स्कीम पर निर्भर नहीं है, वह गेहूँ खुले बाजार से भी प्राप्त कर रहे हैं, जो गेहूँ के दावों को मजबूत बनाने में मदद कर रही है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या गेहूँ की सप्लाई बनी रहेगी या सरकार गेहूँ रिपोर्ट पर कोई फैसला सुनाएगी। आप अपने विचार नीचे कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए डाउनलोड करिए हमारी फ्री ऑफ बिजनेस मंडी ऐप, जहां आपको मिलेगी गेहूँ बाजार से जुड़ी सारी खबरें और देश भर की मंडियों के ताजा भाव, वो भी मुफ्त। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए याद रखिए, बाजार की ताजा खबर मिले सिर्फ ऑफ बिजनेस ऐप पर। धन्यवाद।